पे तेरा के दे दे सुनने बे चल चके देखे आ जा बे आ दिखला दे बे That's the way रॉक का रब्दा दोस का धक्का हमें बे बे छुड़ा दे छक्का पार चाहिए ख्वाबों का एक मोहल्ला है, सब गलियां नुक्कड़ घर द्वारे, सब आंगन सीढ़ी चौबारे, कितनी यादों को समेटे हैं वो लम्हे जो कि बीत गए, वो लम्हे जो कि साथ रहे, वो सारी बातें यारों की, कुछ जीतों की कुछ हारों की, वो गर्म चाय के प्याले कुछ, वो चुरा के खाए निवाले कुछ, बस्ते में छुपी खुशियां सारी, एक आंख जो उसने थी मारी, वो लड़की भोली भाली सी जो मुझसे हंसकर मिलती थी, वो लड़का कुछ शर्मीला सा जो चुप रहता पर आंखों से सब था कहता, और ऐसी ही कितनी यादें सब याद रहेंगी सदियों तक, हम रोज नहीं मिल पाएंगे पर याद हमेशा आएंगे। ख्वाबों का जो ये मोहल्ला है, इसमें यादों के समंदर हैं, यहाँ के सब सिकंदर हैं, यहाँ के सब सिकंदर हैं। हम होंगे कामयाब। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद, जय हिंद मेरे बॉक्सिंग चैंपियन, कैसे हो तुम? हैं आ बैठो बैठो बैठो। आप कैसे सर? मैं अच्छा रामू, चाय और मक्खन तो सब दोनों के लिए फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म। हाँ सर, आपने बुलाया सर। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कैसे चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है सर, बहुत ज़्यादा तो ना हो पा रही, वो अब्बा बीमार हो गए थे तो दुकान पे बैठना पड़ रहा था, और फिर सर कोई मैच वैच भी होना रहे आसपास, खाली प्रैक्टिस कितनी करूँ सर। ये तो हमारे अली वाली बात ना हुई, तुम तो बॉक्सिंग की दीवानी हुआ करते थे, प्रैक्टिस और मैच तुम्हारे लिए बराबर थे। क्या स्कूल का जोनल चैंपियन तक तुम्हारा ख्वाब सीमित है क्या? ना सर ऐसी बात ना है, लेकिन अब कॉलेज में आके तो कोई रास्ता ही दिखाई ना दे रहा सर। देखो हमारे वालिद साहब हमसे कहा करते थे कि फौजी को हमेशा हथियार को तेज और दिमाग को मुस्तैद रखना चाहिए, कि जब भी मैदान में उसे बुलाया जाए तो वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे और बॉक्सिंग करने का मौका मिला भी तो बॉक्सिंग कैसे कर पाओगे? हाँ सर, बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हो सर। सर मैं आज से जुड़ जाऊंगा सर, लेकिन सर बात वही है कि प्रैक्टिस के आगे का रास्ता कुछ समझ ना आ रहा सर। अली तुम अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहोगे ना तो रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। देखो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी सर? यूनिवर्सिटी लेवल पर इंटर कॉलेज का जबरदस्त बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला यही बिजनौर में। हाँ चाय लो, इस खुशी में चाय लो, लो ना। इस इलाके के तमाम कॉलेज इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सर हमारा कॉलेज भी हिस्सा लेगा? बिल्कुल, तुम्हारा कॉलेज भी हिस्सा लेगा। ये लो मक्खन टोस्ट, इनकी स्पेशलिटी। और मैं चाहता हूं कि तुम इस चैंपियनशिप में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। मैं जरूर जाऊंगा सर, सर मैं लड़ूंगा सर। लेकिन तुम तब लड़ पाओगे जब तुम ये साबित करोगे कि तुम अपने कॉलेज का सबसे अच्छा बॉक्सर हो। सर मैं दिन रात देख कर दूंगा सर, मैं तो बहुत मेहनत करूंगा सर मैं। वाह ये हुई ना हमारी अली वाली बात। देखो मैं जानता हूँ जब अली किसी चीज को
ठान लेगा तो वो उस चीज को पूरा करके रहेगा, मैं जानता हूँ। सर तो बहुत अच्छी खबर सुने सर, मैं आज ही से जाके लग जाता हूँ। एक सेकंड, कुछ खुराक तो चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ सर, आके जाओ और गर्म गर्म चाय। वाह, अब आएगा सर प्रैक्टिस का मजा। मैं आऊंगा देखने के लिए। हाँ, और जब तुम फाइनल में पहुंच जाओगे, जैसे जोनल में तुम नहीं पहुंचे थे, फाइनल में नहीं आते देखने के लिए, मैं आऊंगा देखने, और उसमें तुम जीत भी जाओगे। ठीक, चीयर्स। आज बहुत दिनों के बाद मजा आया तुम्हारे साथ। हाँ, जी हाँ मैम। अरे तुझे मैं मिलता हूँ। मैम लाई मैम। अरे समीर। हाँ मैम। तुम? अरे कहाँ से आ रहे हो, कॉलेज से? हाँ मैम, मैम वो आज क्लासेस कम थी, जल्दी फ्री हो गया। अच्छा, पर मैम आप इतनी सारी किताबें, अच्छा खरीदी होंगी आपने लाइब्रेरी के लिए? अरे नहीं, मुझे लाइब्रेरी के लिए किताबें खरीदनी ही नहीं पड़ती, बस कोई ना कोई दे ही देता है। इस बार ये किताबें शुक्ला जी ने दी हैं। अच्छा, गुरु जी ने? मैम हाँ। अरे वाह, पर मैम आपको लेके जा रही हैं, किसी स्टूडेंट को साथ में ले लेती? अरे नहीं समीर, मैं ले जा सकती हूँ, मैंने सोचा किसी को क्या परेशान करना। मैम स्टूडेंट सारा दिन टीचर को परेशान करते रहते हैं, तो टीचर के लिए क्या थोड़ी सी परेशानी उठा नहीं सकते? समीर लगता है कॉलेज जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गए हो। हाँ नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आते क्यों नहीं स्कूल, हम सबसे मिलने आओ तुम सारे। हाँ मैम, मैं सबको लेकर आऊंगा। मैम सबको लेकर आऊंगा। मैम लाओ मुझे दे दो। मैम मैम मैं चलता हूँ ना, अपने स्टूडेंट को मैम बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटे छोटे काम भी करने दिया कीजिए। ओफो समीर, लगता है तुम मानोगे नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं मैम। चलो फिर तुम ही पहुँचा दो ये किताब। हाँ मैम। और बताओ अब उदास तो नहीं रहते ना तुम? नहीं मैम, अब तो खुश हूँ मैम बहुत। अब सच सच बताओ क्या हुआ था उस दिन? वो मैम, वो मुझे ऐसा लगा कि मैं दोस्तों के लिए मायने नहीं रखता, पर मैं गलत था, मैं सब अच्छे हैं। ऐसा तुमने क्यों सोचा? पता नहीं मैम, वो किसी ने भड़का दिया मुझे। मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हो गई आने में? नहीं यार, तुम तो टाइम पर ही आए, वो तो हम ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे मिलने के लिए। और वैसे भी जब कुछ सीखना हो ना तो थोड़ी मेहनत कर लेनी चाहिए। अरे यार मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगी, सब काम तो तुमने करना है, मैं तो सिर्फ बताऊंगी। पता है पहले हम सोच रहे थे कि तुम्हें नहीं बताएंगे। क्या? लेकिन अब लगता है बता दें। एक्चुअली हमने एक आर्टिकल लिखा था, बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट हुआ। एडिटर साहब ने कहा कुछ ऐसा लिख कर लाओ जिससे कोई फर्क पड़े, डिप्रेस हो गए थे। फिर अली ने तुम्हारे बारे में बताया, बहुत अच्छा काम कर रही हो यार तुम। थैंक्स यार, लेकिन मैं तो सिर्फ एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रही हूँ, दैट्स इट। अच्छा ये बताओ उदय शंकर कौन है? उदय शंकर नेता है, बाहुबली नेता। तो उसमें ऐसी क्या खास बात है, उसने क्या किया है जिसके बारे में हम लिखें? क्या नहीं किया है, नेता के कपड़ों में गुंडा है गुंडा। क्या बात कर रही हूँ, हमने तो उसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना है, लोगों की मदद करता है, अनाथ आश्रम भी खुलवाए हुए हैं उसने। एक अनाथ आश्रम खोलता है और पीछे चार जुए के अड्डे खुलते हैं। हा? कुछ कंबल बांटने जाता है तो पीछे लाखों का घोटाला हो जाता है। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, क्या कुछ नहीं करता वो आदमी। पता है मेरे यहाँ एक लड़की पढ़ने आती है, उस आदमी ने उसके बाप को खरीद कर उसकी जबरदस्ती एक 60 साल के आदमी से शादी करने की कोशिश की थी। ओह माय गॉड, बड़ा चोर आदमी है यार ये तो। जब लोगों को इसकी असलियत के बारे में पता चलेगा कि वो जिस पर इतना बिलीव कर रहे हैं, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, वो उन्हीं के पैसे हड़पता है, नोच डालेंगे लोग इसे। यही तो करना है, लोगों का ये अंधविश्वास ही तो तोड़ना है। यू आर राइट, देखना तुम ऐसा आर्टिकल लिखेंगे ना कि इसके चेहरे पे जो शराफत की परतें चढ़ी हुई है ना सब उतर जाएंगे। रज्जू आर्टिकल तो लिखो, लेकिन ध्यान रखना दद्दा का नाम उसमें मेंशन नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे लिखेंगे तो फंसने का डर है। अरे यार आर्टिकल लिखने का फायदा ही क्या हुआ जब उसका नाम उसमें नहीं होगा, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ही इज द कल्प्रिट। रज्जू दद्दा बहुत ही खतरनाक आदमी है,
और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है। तो यार इस बात का सलूशन क्या है, क्या करें? पर ऐसा आर्टिकल लिखूं ही क्यों जिसका कोई फायदा ही ना हो। फायदा क्यों नहीं है, कम से कम लोगों को पता तो लगेगा कि दद्दा जैसे घटिया लोग इस समाज में हैं और वो इस तरह के लोगों से दूर रहेंगे। ठीक कह रही हो तुम, आर्टिकल तो हम लिखेंगे और ऐसा आर्टिकल लिखेंगे देखना तुम, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार हमारा आर्टिकल रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलें फिर। चलिए चलिए मैडम, आज हम आपको अच्छी सी कॉफी पिलाते हैं। लेट्स गो। ऑल योर्स। इस बार क्लास में सबसे अच्छे नंबर आने चाहिए तुम्हारे। जी भैया। ठीक है। पर क्या हुआ, संभल के, चोट लगी? चोट लगी तुम्हारे? देखो पैर, देखो अपना पैर, देखो। अरे रिलैक्स भैया, दर्द हो रहा है ना? रिलैक्स, दर्द हो रहा है ना तुम्हें? रिलैक्स भैया, पत्थर ही तो है, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। बेटा तुम नहीं समझोगे, तुम्हें तकलीफ होती है ना तो अच्छा हुआ ये पत्थर था, अगर ये कोई इंसान होता तो आफत आ जाती इसकी। भैया आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बड़ी हो गई हूँ, आप टेंशन मत लो। बेटा इतनी बड़ी भी नहीं हुई है आप अभी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कॉलेज में कोई परेशान तो नहीं कर रहा तुम्हें? नहीं भैया, मुझे कौन परेशान करेगा। अच्छा देखो, कॉलेज में किसी से भी फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और तुम्हें सिर्फ कॉलेज में नहीं रहना है, बहुत आगे जाना है तुम्हें। जी भैया। ठीक है। ए यहां। जी भाई जी, बहन है हमारी। जी नमस्ते दीदी। दीदी, दीदी ही बोल रहा। ध्यान रखना जरा, कोई परेशान ना करे और कोई फालतू बात करने की कोशिश ना करे। जी भाई जी। दीदी अगर आपको कोई भी परेशान करे ना, एक बार हमें बता देना, अपने आप देख लेंगे उसको। मुझे दीदी क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं एज में बड़ी हूँ क्या तुमसे, मुझे दीदी मत बोलो। जी दीदी जी। ध्यान रखना। जी भाई जी। परेशान ना करे। और सब बढ़िया? सब कुशल मंगल। अच्छा निकल, मौज कर। जी भाई। दुबे सर। अरे रंजना तुम, कुछ काम है क्या? जी दुबे सर से मिलना था। दुबे सर तो आए नहीं आज, कुछ पूछना था? कुछ खास नहीं सर, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है। अरे वाह, बस वही दिखाना था। अरे दिखाओ तो सही सर। अरे इतनी हिंदी तो हमें भी आती है, दिखाओ दिखाओ। सर वो बात नहीं है। अरे दिखाओ तो सही। इतना लंबा आर्टिकल तुमने लिखा है? जी सर। That's good. आर्टिकल लंबा तो है बट एज आई कैन सी बड़ी इकोनॉमी से तुमने वर्ड्स को यूज किया है, और पता है एक अच्छे राइटर की यही पहचान है। सच में सर? बिल्कुल सच, बहुत अच्छा लिखा है तुमने सर। पसंद आया सर आपको? हाँ, वैसे कब से लिखती हुई आ रही हूँ सर, सच में कहें तो पहला दूसरा आर्टिकल है। अरे वाह, दैट्स गुड, तब तो तुम्हें अपने इस कॉलेज के बारे में भी कुछ लिखना चाहिए। व्हाई नॉट सर, प्लीज, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। हाय राधे, कैसे हो? जी ठीक ना हो जी। क्यों, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ जी, परेशान करके रखा है जी आपने। मैंने? हाँ जी, जहाँ जाऊँ वहाँ पहुँच जाओ, दोस्तों में लड़ाई करने की कोशिश करो आप जी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जी? अब मैंने सॉरी बोला तो है तुम्हें, उसके लिए पक्का नहीं करूँगी, गॉड प्रॉमिस। पक्का? पक्का। ठीक है जी, और बताओ जी क्या चल रहा है? मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान है जी? कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया तो बता दो जी, एक मिनट में डिक कर दूंगा। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, तुम्हें पता है एग्जाम्स आ रहे हैं और मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई स्टार्ट करूं, तुम्हें ही मदद करूंगी। कुछ ना जी, आप ना गलत एड्रेस पे आ गए हो जी। क्यों? अजी आप जी विलायती स्कूल में पढ़ के आए हो, मैं हूँ जी बिजनौर का। मैं आपको अंग्रेजी में क्या क्या समझा पाऊंगा जी,
आप अंग्रेजी बोलो, मैं बोलूं बिजनौरी जी, गलत है जी। अरे इंग्लिश, इंग्लिश तो मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगी कि फिर कोई और सिखा ही नहीं पाएगा। तुम ऐसी इंग्लिश बोलोगे ना, सब लोग देखेंगे, इतनी अच्छी इंग्लिश सिखाऊंगी। आप जी मुझे अंग्रेजी सिखाएंगे? और नहीं तो क्या, खाते का सौदा ना। पर मेरी एक शर्त है। नहीं, पढ़े 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 नहीं खेलना जी मुझे, माफ कर दो जी। अरे मेरी नहीं जी, माफी दे दो जी। सुनो, तुम हमेशा यही करते हो, मेरे को कुछ बोलने नहीं देते हो और पहले ही अपनी टैं 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 अड़ा देते हो। मेरी पूरी बात तो सुन लो, मेरी शर्त ये है कि तुम मुझे हिस्ट्री पढ़ाओगे। हिस्ट्री यानी कि इतिहास? हाँ। अरे इतिहास तो मैं जी सैमुअल सर से पढ़ के आया हूँ। मुझे सब पता है जी, बाबर के बाद आए, हुमायूं हुमायूं के बाद आए, अकबर अकबर के, सबसे आखिरी बच्चा क्या नाम उनका, बहादुर शाह जफर। हाँ। सब पता है जी, सब पढ़ा दूंगा जी। अच्छी तरीके से पता है? बिल्कुल जी, अच्छे से पढ़ाओगे जी, टेंशन नहीं लो जी। तो फिर पक्का है ना, पढ़ाओगे ना? अंग्रेजी में बोलो जी, इसे क्या बोल रहे हैं? अरे डन। अरे डन 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 जी। अरे इतना डन 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 नहीं, ओनली डन। ओनली डन। हाँ, तो फिर चले। चलो जी, चलो। हाँ, क्लास में और कहाँ। आप जी, आप जी, चलो, चलो जी, चलो। नेहा दीदी किसी लड़के से बात कर रही है, भाई जी को बताना पड़ेगा। हेलो सर, आपसे वो रंजना मिलने आई है। रंजना? सर वो सैमुअल सर की स्टूडेंट जो पिछले हफ्ते आपसे मिली थी। अच्छा 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 अच्छा, उसे बोलो अभी मेरे पास कोई समय नहीं है, फिर कभी आएगी। ओके सर, सर प्लीज सर, एक बार हमारा आर्टिकल पढ़ लीजिए, 5 मिनट दे दीजिए सर। नहीं नहीं, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए सर, आपको पसंद आएगा सर। सर हमने बहुत मेहनत की है इस बार। सर एक बार देखिए तो सही, जैसा आपने बोला था हमने वैसा ही कुछ लिखा है सर, प्लीज। देखिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है, आप जाइए, फिर आना कभी। सर सर प्लीज प्लीज सर, एक बार देख लीजिए सर, आपको पसंद आएगा, आप एक बार देखिए तो सही। सर क्या देखूं? अच्छा लाइए, बैठिए। सर इस बार हमने बहुत मेहनत की है, आपको पसंद आएगा, जैसा आपने बोला था ना बिल्कुल वैसे ही किया है, उसी को फॉलो किया। विनोद? जी सर। देखो ये फाइल सब एडिटर को देना और उनसे बोलना कि ये संडे के एडिशन में छाप दे। ठीक है सर, दे देंगे। सर और सुनो, उनसे कहना इनमें कुछ मात्राएं भी गलत हैं, उन्हें ठीक कर देना। ठीक है सर। आप हमारा आर्टिकल छाप रहे हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं छापेंगे, जब तुम इतना अच्छा लिखोगी तो छापना ही पड़ेगा। और हाँ, अगली बार इससे भी ज्यादा सुंदर लिख के आना। जी सर, बहुत अच्छा लिखेंगे हम। और सुनो, आइंदा किसी की भी ऑफिस में जबरदस्ती नहीं घुसना। ओके सॉरी सर। ओके। खुशियों की बारिश जो बरसी, जीवन और मैं बाहर निकले, घुटनों तक पतलून चढ़ाई, दूर गगन तक साथ चले हम।